तो चाचा शिवपाल को अखिलेश यादव ने एक और तोहफा दे ही दिया। तो ये तय है कि चाचा शिवपाल को हल्के में अखिलेश यादव कतई नहीं ले रहे हैं। शिवपाल को सपा में क्या जिम्मेदारी मिलेगी? तो उन सवालों का जवाब आया सपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची में, जिसमें शिवपाल को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव घोषित किया गया। लेकिन सवाल था कि ये पद क्या सिर्फ दिखावे का है? क्या शिवपाल की सपा में चल भी रही है या नहीं? क्योंकि इस लिस्ट में शिवपाल के किसी भी करीबी नेता को शामिल नहीं किया गया था। इसके पहले मीडिया पैनलिस्ट की लंबी चौड़ी लिस्ट से भी शिवपाल के लोग गायब थे। तो सवाल उठ रहे थे सपा में शिवपाल की शक्ति पर, उनकी हैसियत पर। तो अब इसका भी जवाब आ गया है। जी, शिवपाल सपा के लिए जरूरी है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने अपने प्रकोष्ठों का ऐलान कर दिया है। 3 फ्रंटल संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष के नामों की घोषणा की गई है, जिसमें चाचा शिवपाल सिंह यादव के करीबी को भी जगह मिली है। सपा ने महिला प्रकोष्ठ और अनुसूचित जाति सभा की कमान नए चेहरों को सौंपी है, जिसमें सपा की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव को बनाया गया है, जो राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव की करीबी मानी जाती है। वो प्रसपा में प्रदेश सचिव भी रह चुकी है। पार्टी में उनकी नियुक्ति को चाचा शिवपाल की बढ़ती सक्रियता के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर से राजपाल कश्यप बनाए गए हैं, जबकि सपा के अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की कमान व्यासजी गौड़ को सौंपी गई है। राजपाल कश्यप और व्यासजी गौड़ को अखिलेश यादव का करीबी माना जाता है। आपको बता दें कि करीब 2 महीने पहले जुलाई में अखिलेश यादव ने कार्यकारिणी और सभी फ्रंटल संगठनों को भंग कर दिया था, और ऐसे में नए सिरे से टीम की घोषणा की गई है। नरेश उत्तम पटेल की ओर से लेटर जारी कर इसका ऐलान किया गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सपा ने अपनी ताबड़तोड़ तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में सपा अपने राष्ट्रीय संगठन और प्रदेश प्रकोष्ठ के जरिए अपनी सियासी समीकरण को सेट करने में लग गई है। अखिलेश यादव समाज के सभी वर्गों को जोड़ने की कवायद कर रहे हैं, लेकिन उनकी खास नजर ओबीसी, अति पिछड़े और दलितों पर है। इन्हीं वोटों के जरिए वो एजेंडा सेट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसी फॉर्मूले के तहत जल्द ही प्रदेश कमेटी की भी घोषणा हो सकती है। कई जिलों में भी जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे, जिससे नीचे समन्वय और सक्रियता दोनों बढ़ाई जा सके। तो माना जा रहा है कि इसमें भी चाचा शिवपाल के लोगों को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि जैसा पहले ही कहा जा चुका है कि सपा के लिए शिवपाल जरूरी है, और वो लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिए एक जिले से दूसरे जिले का ताबड़तोड़ दौरा भी कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, शिवपाल के लोगों को आगे कितनी प्राथमिकता मिल सकती है? कैसे सपा में पावर बैलेंस होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक की रिपोर्ट, यूपी तक।